नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, यहाँ पे असाइनमेंट को लेकर जो बड़ा अपडेट आ रहा है कि आपको किस पेपर पे जो है असाइनमेंट को लिखना है या फिर कहाँ पे सबमिट करना है या फिर सबमिट करने का जो लास्ट डेट क्या है, तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। और ये ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है तो इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पर जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो असाइनमेंट को लेकर काफ़ी परेशान थे, तो इसलिए आप इस वीडियो को जो है जरूर शेयर करें। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या जो है नोटिस निकाला गया है असाइनमेंट के बारे में, कि किस तरह से असाइनमेंट बनाना है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो असाइनमेंट के बारे में ये देखिए नोटिस निकाला गया है। ये नोटिस जो है SCERT के द्वारा निकाला गया है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिए विषय लिखा गया है SCERT CGNIOS के दूरस्थ शिक्षा केंद्रों में प्रथम सेमेस्टर असाइनमेंट से संबंधित निर्देश। तो यहाँ पे देखिए असाइनमेंट के बारे में जो पूरा निर्देश दिया गया है, ये जो है कल का नोटिस है 30/12/2017 का। और ये जो निकाला गया है नोटिस, ये जो छत्तीसगढ़ रायपुर का निकाला गया है। लेकिन जो असाइनमेंट का जो प्रक्रिया है, किस तरह से बनाना है, ये जो है सभी के लिए सेम होगा। यहाँ पे अगर नीचे देखें तो यहाँ लिखा गया है प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों हेतु दूरस्थ माध्यम से DLED में प्रथम सेमेस्टर हेतु असाइनमेंट जमा करने संबंधी निम्न निर्देशों का पालन किया जाए। तो और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो लिखा गया है असाइनमेंट NIOS के वेबसाइट, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का नाम दिया गया है कि यहाँ पे उपलब्ध है। तो चलिए आपको यहाँ वेबसाइट पे दिखा देते हैं कि कहाँ पे जो असाइनमेंट उपलब्ध है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि असाइनमेंट को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि असाइनमेंट को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो DLED की वेबसाइट खुली हुई है, अगर यहाँ पे देखें तो ऊपर लिखा गया है स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे अगर आप अपने कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आता है प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास इस टाइप का यहाँ पे विंडो खुला हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सभी लैंग्वेज में जो है यहाँ पे स्टडी मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर जो लिखा गया हिंदी एंड इंग्लिश, जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो भी स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया असाइनमेंट 501, और फिर यहाँ पे देखें नीचे लिखा गया असाइनमेंट 502, और यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए असाइनमेंट 503 का भी है। तो आपको असाइनमेंट जो है तीन ही असाइनमेंट यहाँ पे बनाना है, 501 का, 502 का और 503 का। तो यहाँ से आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो असाइनमेंट जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं और उसमें क्या लिखा गया उस नोटिस में। अगर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे देखें तो लिखा गया असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2018 होगी। तो ये जो अंतिम तिथि है ये सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ रायपुर के जो भी स्टूडेंट हैं उसके लिए है। तो ये अंतिम तिथि सभी के लिए अभी नहीं है, जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं। तो जो भी देखिए आपका स्टडी सेंटर होगा तो वहाँ पे जो फिक्स किया जाएगा कि आपका क्या अंतिम तिथि होगा असाइनमेंट जमा करने का, क्योंकि बहुत जगह अभी तक जो है स्टडी सेंटर नहीं बन पाए हैं। तो जब भी वहाँ पर स्टडी सेंटर बन जाएगा तो आपको जो है वहाँ पे बताया जाएगा कि असाइनमेंट सबमिट करने का क्या अंतिम तिथि है। तो इसलिए ये 21 जनवरी जो है ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ रायपुर से बिलोंग करते हैं। और थर्ड में देखें तो लिखा गया है प्रत्येक विषय 501, 502 एवं 503 हेतु तीन तीन असाइनमेंट, अर्थात कुल 9 असाइनमेंट बनाया जाना है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 501 में जो है 3 असाइनमेंट हैं, और 502 में भी 3 असाइनमेंट हैं, और 503 में भी आपको 3 असाइनमेंट बनाने हैं। यानी टोटल जो है आपको 9 असाइनमेंट बनाने हैं। जैसा कि चलिए आपको मैं दिखा देता हूं कि कहां पे 3 असाइनमेंट दिए गए। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये 501 का जो है असाइनमेंट है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया असाइनमेंट नंबर 1, और फिर नीचे देखें तो इसका क्वेश्चन दिया गया है कि आपको कौन से क्वेश्चन पर जो असाइनमेंट लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, तो ये असाइनमेंट नंबर 1 था। और यहाँ पे नीचे देखें तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है, तो इसमें भी देखिए आपको जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए असाइनमेंट नंबर 3 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो असाइनमेंट नंबर 1 दिया गया है उसके लिए आपको अलग बनाना है, और यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 जो है तो इसके लिए आपको अलग असाइनमेंट बनाना है, और फिर यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 3 जो है तो इसके लिए आपको अलग असाइनमेंट बनाना है। तो इसी तरह से आपको जो 501, 502 और 503 में जो है तीनों में जो है अलग अलग असाइनमेंट दिए गए हैं। तो तीनों में जो है तीन तीन असाइनमेंट है, यानी टोटल जो है आपको 9 असाइनमेंट जो है अलग अलग बनाने हैं। और फिर आगे देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। आगे अगर देखें तो लिखा गया है असाइनमेंट A4 साइज सादे कागज अथवा A4 साइज लाइन वाले कागज का उपयोग किया जाना है। कागज के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लिखा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे किस टाइप के पेज में बनाना है असाइनमेंट, तो मैंने आपको वहाँ कमेंट्स में बताया भी था कि A4 साइज का पेपर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बताया गया कि A4 साइज जो कि लाइन वाली कागज आती है या फिर जो भी सादा कागज आती है तो आप उसमें जो है बना सकते हैं। आप जो एक साइड या फिर दोनों साइड जो है आप असाइनमेंट को लिख सकते हैं। और दोस्तों पेज जो होना चाहिए वो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तो आप उस पेज पर जो है एक साइड या दोनों साइड जो है आप लिख सकते हैं A4 साइज पेपर पर। फिर आगे देखें तो इसमें दिया गया है
सभी असाइनमेंट हस्तलिखित होना चाहिए, अर्थात किसी प्रकार का प्रिंटेड असाइनमेंट मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों असाइनमेंट आपको खुद से लिखना है, जैसा कि मैंने आपको कमेंट्स में जो है बहुत सारे स्टूडेंट को बताया था कि असाइनमेंट आपको खुद से लिखना है, कहीं से भी आपको जो प्रिंट नहीं करवाना है। और फिर आगे देखिए तो लिखा गया है, हिंदी माध्यम वाले प्रशिक्षार्थी सभी 9 असाइनमेंट हिंदी भाषा में लिखेंगे तथा अंग्रेजी माध्यम वाले प्रशिक्षार्थी सभी 9 असाइनमेंट अंग्रेजी माध्यम में लिखेंगे। यानी कि दोस्तों आपका जो भी लैंग्वेज है, अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो आपको हिंदी में ही आपको जो है 9 असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपको 9 असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो आपका असाइनमेंट जो है इंग्लिश में लिख लें, तो ऐसा नहीं होगा। आप जिस मीडियम से उसी मीडियम से जो है आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। और फिर आगे देखें तो लिखा गया है, अंग्रेजी माध्यम के असाइनमेंट के मूल्यांकन में यदि कोई असुविधा हो तो संबंधित डायट असाइनमेंट के मूल्यांकन हेतु सहायता उपलब्ध कराएंगे एवं अपने स्तर से मूल्यांकन कराकर अंक संबंधित संख्या में उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो है उनके लिए है, ये जो स्टडी सेंटर के लिए है कि वहाँ पे जो भी है तो उसका जो है अंग्रेजी में जो भी असाइनमेंट होगा उसको जो यहाँ पे चेक किया जाएगा, फिर उसका जो मूल्यांकन किया जाएगा। और फिर नीचे देखें तो लिखा गया है, असाइनमेंट से संबंधित अन्य कोई समस्या सवाल हो तो संबंधित जिले के डायट में संपर्क करें। तो देखिए आपको जो कांटेक्ट करना है असाइनमेंट के बारे में, कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ पूछना है, तो जो भी आपका स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर आप स्टडी सेंटर पर जाते हैं तो आप वहाँ पे जो भी आपको असाइनमेंट के बारे में पूछना है आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो असाइनमेंट को लेकर आपको हर चीज़ समझ आ गया होगा कि जो भी स्टूडेंट अभी तक असाइनमेंट अगर नहीं बना है तो वो जो अपने असाइनमेंट को बना लें। जो भी यहाँ पे दिया गया है कि A4 साइज पे जो भी सादा पेज या फिर लाइन वाली पेज पे आप जो असाइनमेंट को बना सकते हैं, और जो भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है कि 21 जनवरी जो है असाइनमेंट सबमिट करने का उनका लास्ट डेट है, तो उससे पहले जो आप असाइनमेंट बना लें। और जो भी अदर स्टेट के हैं तो वो भी जो अपने असाइनमेंट को बना लें। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि कहाँ से अपने असाइनमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपने असाइनमेंट को आप डाउनलोड कर लें और असाइनमेंट को जो है आप जल्द से जल्द जो है बना लें, या फिर आपको स्टडी सेंटर पे भी बताया जाएगा कि किस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपको किस तरह का पेज यूज करना है, कैसा पेज यूज करना है और किस तरह से असाइनमेंट को बनाना है, जैसे कि 501, 502 और 503 के जो है 3 अलग अलग असाइनमेंट बनाना है। तो ये सब चीज़ जो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये सारी जो बातें यहाँ पे जो दी गई थी तो ये सभी स्टेट के लिए ये सारी बातें होगी, किसी तरह से आपको जो असाइनमेंट को बनाना है तो आप अपने असाइनमेंट को जो है जल्द से जल्द बना लें। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट जो है असाइनमेंट को लेकर। आगे अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसी तरह से यहाँ पे जो है वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक जो है असाइनमेंट को लेकर जो जानकारी है वो पहुँच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।